हेलो गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की रिगार्डिंग। जितने भी लोग आप लोगों में से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए लगा रहे हूँ, चाहे ग्रुप डी के पर्पज से लगा रहे हूँ, एसएससी, बैंक, पुलिस, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो जो खास चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसे फैक्ट बताऊंगा, ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले भी सुनी हुई है, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें ऐसे समझा पाऊं कि वो आपके दिमाग में आए अच्छे से और प्रैक्टिस सेट में आपके मार्क्स इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करें। सो गाइस, देखो, सबसे पहली चीज़ अगर किसी प्रैक्टिस सेट को आप लगाते हो तो उसमें होती है इंपॉर्टेंस किस चीज़ की? टाइमिंग की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 मार्क्स का कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, तो उसमें आप अपनी जो टाइमिंग है वो कोशिश करो कि 50 मिनट में सॉल्व करने की आदत डालो, कि चाहे कुछ भी हो जाए 50 मिनट के अंदर हमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अगर आप 50 मिनट में 100 की आदत डालोगे, तब जाके आपकी स्पीड अच्छी खासी बढ़ेगी, वो कम से कम एक घंटे तक आ जाएगी। इसके अलावा, जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पता है आपकी 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका, जो ऑनलाइन आपको देना है, और उसके लिए आपको सिर्फ 90 मिनट मिलने हैं। इसमें आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि जब आप 50 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए ले रहे हो, तो आप भाई 60 मिनट 120 क्वेश्चन के लिए लेके चलो, दोगुना ही लेके चलना है ना अपन को, तो कि एक मिनट में दो क्वेश्चन। तो मेरी सभी को यही सलाह रहेगी कि आप जितने भी लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, प्लीज़ केवल 60 मिनट का टाइमर लगाकर ही लगाना। सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग होती है, क्योंकि अगर आप टाइम बचाओगे तो आगे बचे हुए टाइम में आप लोगों को बेसारे क्वेश्चन करने का टाइम मिल जाएगा जो आपने इग्नोर कर दिए हैं। अगली चीज़, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 में कई लोगों ने देख लिया होगा, जिनके मार्क्स कम रहे हैं उनने ये चीज़ गौर की होगी कि रॉन्ग अटेम्प्ट बहुत सारी हुई। ये चीज़ मैं पहले से आके बता रहा हूँ आप लोगों को, एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही करने हैं। मैं तो कहता हूँ अगर आप 70 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 100, तो 70 में से कोशिश ये करिए कि 60 से 65 के बीच में आपके सही होने चाहिए, और बाकी हो तो गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी। अब अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो 120 में से ये मान के चलो आपकी एक्यूरेसी 80 प्लस की होनी चाहिए। 80 प्लस यानी यही हो गया ना कि कम से कम 60% से ऊपर का आपका जो स्कोर है वो राइट ही होना चाहिए, रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए। ठीक, अब ये मत कहना कि मैं यहाँ सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के सेफ स्कोर के रिगार्डिंग वीडियो नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आप 120 नंबर का सेट पेपर लगा रहे हो, ऑनलाइन लगा रहे हो, ऑफलाइन लगा रहे हो, तो आपको कम से कम 80 प्लस का अपना स्कोर बना के टारगेट रखना चाहिए। अगली चीज, वीक टॉपिक्स। ये एक सबसे खास चीज़ है। देखो, हम में से जितने भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मैं भी हूँ और भी आप लोगों में से भी लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके सारे के सारे टॉपिक और जो सब्जेक्ट हैं वो स्ट्रांग हो। कई ऐसे टॉपिक या सब्जेक्ट होते हैं जो कमज़ोर होते हैं और जिनके लिए हमें प्रिपेयर अच्छा खासा करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोगों को भी यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपके जो वीक टॉपिक हैं, कोशिश करो कि वीक टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो। जो आपके टॉपिक स्ट्रांग हैं, जो आप पहले से आपने पढ़ रखे हैं, उनको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत होती है। जैसे मान लिया जाए कि आपको मैथमेटिक्स में आपकी मैथ फर्स्ट अच्छी है, आपको लाभ हानि वगैरह परसेंटेज अच्छे आते हैं, लेकिन आपको ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम है, तो कोशिश करो कि लाभ हानि और परसेंटेज वाले क्वेश्चन को सिर्फ प्रैक्टिस सेट में ही रिवाइज करते रहो, उसी में लगाते रहो, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री को अलग से थोड़ा सा टाइम दो ताकि उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओ। इसी तरह मैथ में, रीजनिंग में, जीके जीएस, साइंस, किसी भी चीज़ में आपके जो वीक टॉपिक हैं उनकी एक आप चाहे लिस्ट बना लो, उस पर लिख लो कि मुझे ये टॉपिक नहीं आते, मुझे ये प्रिपेयर करने हैं। यकीन मानो, मार्क्स बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगली चीज़, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट। आप में से जितने भी लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं, उन सबको पता है कि मैं सबसे पहले आप लोगों को ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट की ही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाओ। ऑनलाइन में इसलिए नहीं कहता हूँ कि ऑनलाइन में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आदत नहीं होती है, कंफर्टेबल नहीं होते लगाने में, लेकिन ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है, हम उसका सॉल्यूशन अच्छे से कर लेते हैं, उसके ऑप्शंस को सॉल्व कर लेते हैं, उससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो हम उसी सेट पेपर पर नोट भी कर लेते हैं। तो ऑफलाइन के कई सारे फायदे होते हैं, और ऑनलाइन में क्या होता है, टाइमर चलता है माइनस में, तो दिमाग में सिर्फ टाइमिंग ही रहती है, टाइमिंग ही रहता है कि यार टाइम कम हो रहा है। उसके लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आप हफ्ते में कम से कम एक बार ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी लगा लिया करो। तो ध्यान रखना है आपको, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाओ। अब कई लोग पूछते हैं कि ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट बेस्ट बताएं जो काम के हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। तो मैं शुरुआत से भी कहता रहा हूं, अभी भी यही कहूंगा, सिर्फ दो पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट लो आप। या तो आप अरिहंत पब्लिकेशन के ले लो, अगर आपसे वो वाली सॉल्व हो जाए तो उसके बाद आप प्लेटफॉर्म के ले लो। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका जो लेवल है काफ़ी अच्छा है। कई लोग कहते हैं टेक्स्ट बुक के कैसे हैं, ग्रेड अप के कैसे हैं, अच्छे हैं, ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन, जैसे भी हों, मेरे हिसाब से पहले आप अरिहंत और प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करो, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ज़रूर ऑनलाइन ले लो,
टेक्स्ट बुक की भी खरीद सकते हो या फिर ग्रेड अप की भी ले सकते हो। लेकिन पहले यही कहूंगा कि आपके नियरेस्ट जो बुक स्टोर हो वहां से जाके आप प्रैक्टिस सेट परचेज कर लेना, क्योंकि अरिहंत और प्लेटफॉर्म के नॉर्मली आपकी बुक स्टोर पे आसपास मिल जाएंगे। अगली टिप जो आपको याद रखनी वो है इग्नोर टफ क्वेश्चंस। सबसे खास चीज़ यही चीज़ होती है जो एग्जाम में मार देती है कैंडिडेट को। रखनी अच्छे से कोई भी एग्जाम हो कभी भी यार, ऐसे क्वेश्चंस को जल्दबाजी में आंसर मत लगाओ कि जो आपको नहीं आ रहा हो या जो सस्पेंस में हो, डाउट हो जिसमें थोड़ा सा भी, उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया करो। तो जो टफ क्वेश्चन है उन्हें कोशिश करो इग्नोर करो, और जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं पहले उन्हें करो। इसके बाद जब आपका टाइम बचता है, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट बताया टाइमिंग, जब आपका टाइम बच जाए तब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगली चीज़ की नोट टफ क्वेश्चंस, ये भी सबसे खास चीज़। कोई क्वेश्चन अगर मान लो आप सेट पेपर लगा रहे हो, मान लो जीके जीएस का कोई क्वेश्चन आया जो आपको नहीं आता है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, तो कोशिश ये करो कि उस क्वेश्चन को अपने पास नोट कर लो। नोट करने के बाद उस क्वेश्चन का एनालिसिस करो, उसे इंटरनेट पर चेक करो, बुक्स में चेक करो, उसके रिगार्डिंग भी जो आपको 2-3 पॉइंट मिलते हैं उससे संबंधित जो आपको फैक्ट मिलते हैं उन्हें भी अपने पास नोट कर लो और उन्हें याद करो। अगर आप इस तरह नोट्स बनाते हैं, एक अपनी कॉपी बना लीजिए, उस पर केवल ऐसे क्वेश्चन को नोट कीजिए जो आपको नॉर्मली नहीं आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो भी स्ट्रांग होगी। अगली चीज़ ऑप्शन एनालिसिस, ये चीज़ मैं शुरुआत से बताता रहा हूँ, जब पहली बार से वीडियो बनाई थी। ऑप्शन एनालिसिस में आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें आपका जो राइट आंसर होता है उसके अलावा जो ऑप्शन बचते हैं इन ऑप्शंस को आपको प्रिपेयर करना है। इसके लिए भी चाहो तो आप अलग से एक कॉपी बना सकते हो, लिख लिया करो कि आज मैंने ये प्रैक्टिस सेट लगाया, इस डेट में लगाया, उस डेट के जितने भी प्रैक्टिस सेट में ऑप्शन आ रहे हैं जीके जीएस साइंस के, उनसे संबंधित एक एक पॉइंट कम से कम लिखा करो। बहुत सारी अच्छी नोट्स आपके तैयार होंगे और अच्छी तैयारी भी हो जाएगी, तो ऑप्शन का एनालिसिस ज़रूर किया करो। इसके साथ साथ नोट योर मार्क्स, ये अच्छी चीज़ है। एक होता क्या है, कई लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, लगाने के बाद घर पर प्रैक्टिस सेट रखा है या ऑनलाइन लगाते हैं कोई मतलब नहीं रहता है। आपको ये करना है, आपके पर डे जितने भी आप मार्क्स ला रहे हो प्रैक्टिस सेट में, उन्हें एक पेज पे डेट वाइज नोट करो कि पहले दिन आपने कितने राइट किए, कितने रॉन्ग किए, आपका जो रॉ स्कोर रहा वो कितना रहा। इसके अलावा अगले दिन फिर ये टारगेट बना के चलोगे कम से कम मुझे 2-3 नंबर ज़्यादा लाने ही लाने हैं, गलत कम से कम करने हैं। इस चीज़ की आदत डालो, आपको खुद समझ में आएगा कि आप मंथ, जैसे आप अगर 30 दिन का स्कूल लिख रहे हो पूरा, तो आपको पता चलेगा कि आपने 30 दिन में प्रोग्रेस की है कि नहीं की है, आपको खुद पता चलेगा। इससे आपको एक हेल्प मिलती है कि आपको पढ़ाई में क्या सुधार करने की ज़रूरत है, आपको क्या किताब चेंज करने की ज़रूरत है, क्या आपको अपना पढ़ने का तरीका चेंज करना है, ये आपको पता चलता है। तो प्लीज़ मार्क्स अपने नोट ज़रूर किया करो। अगली चीज़ कलेक्ट प्रीवियस पेपर। देखो आपको पता है कि रेलवे का, जैसे आपने ग्रुप डी का पैटर्न देखा 2018 का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके NTPC CVT 1 में आए, उसकी जो करंट अफेयर्स थी बस उसके साल चेंज हो गए, CVT 1 में ही पूछे गए। तो अभी भी यही होना है, CVT 2 में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके 2018 ग्रुप डी और 2021 में भी जो NTPC कंप्लीट हुआ है CVT 1, इसके रिगार्डिंग ही आने हैं, बस साल चेंज हो जाना है और कुछ नहीं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन पेपर रहे हैं खासतौर पर जो रेलवे के ऑनलाइन हुए, उन्हें कलेक्ट करो अपने पास। अगर आप SSC वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके जो प्रीवियस सेट हैं उसको एक बार प्रिपेयर ज़रूर करो। इसके बाद सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंस। देखो अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये बाकी के 9 पॉइंट बेकार हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस आपको सबसे पहले अपने अंदर लाना है। कभी भी ये मत सोचो कि आपके साथ वाले की प्रैक्टिस सेट में कितने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, आपके कम क्यों आ रहे हैं। भाई सबका अपना अपने लेवल होता है स्टडी का, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप सामने वाले से कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेपर में ही सबकी असली औकात पता चलती है, ये चीज़ ध्यान रखो हमेशा। आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ, देखो कमेंट बॉक्स में कोई भी आपको कितने ही मार्क्स बताते हो, चाहे मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या किसी अदर यूट्यूबर के कमेंट बॉक्स में, कभी भी उस चीज़ को देख के डिसअपॉइंट मत होया करो कि यार ये इतने मार्क्स बता रहा है, मेरा कॉम्पिटिशन तो बिल्कुल रह नहीं जाएगा। कुछ नहीं होता है, कई लोग फेक कमेंट कर देते हैं, कई लोग फर्जी कुछ भी बोल देते हैं, तो इस चीज़ को इतना सीरियसली मत लिया करो। आप सबसे बस ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने पेपर में आप पेपर देने गए हो, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा है पेपर का, तो सिर्फ देखने के लिए नहीं भर रखा है कि रेलवे को पैसे देने जा रहे हो कि लो भाई मैंने एप्लीकेशन फ़ीस भर दी है, कमाओ खूब पैसा। किस लिए भर रहे हैं? जॉब लेने के लिए। तो सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ कि चाहे कुछ हो जाए मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और जॉब लेनी ही लेनी है। जहाँ से भी ज्ञान मिले जरूर बटोरते चलो, चाहे इंटरनेट से मिले, चाहे आपके पड़ोसी से मिले, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड से मिले, किसी से भी जो भी ज्ञान मिले ज़रूर लेते चलो, क्योंकि ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता है, ज्ञान हमेशा बढ़ता ही है। और बाकी तैयारी पर अपना पूरा फोकस रखो, ये नहीं कि उल्टा सीधा डायरेक्शन में जा रहे हो, ध्यान डाइवर्ट कर रहे हो, बिल्कुल नहीं करना है ये चीज़। कोशिश ये करनी है कि आपको एग्ज़ाम इस साल क्वालिफाई करना ही करना है, खासतौर पर CVT 2 तो करना ही करना है। ग्रुप डी वालों कई बार पूछते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो देखो ट्विटर पर जब तक कैंपेन में आप लोग साथ नहीं देंगे, आपको पता है कि आपको RRC ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट चाहिए है, ट्विटर पर जितना ट्वीट कर सकते हो करो। बाकी रेलवे बोर्ड ही है जो आप लोगों को लास्ट नोटिफिकेशन देगा, बताएगा कि कब तक एग्ज़ाम होगा।
सो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।